पानी के टैंक में कुछ डालने की सूचना पर लोगों ने खाली कराई टंकी। मंजुला थाना क्षेत्र के आजाद नगर करूला स्थित ओवरहेड टैंक में दो व्यक्तियों द्वारा कुछ डाल दिए जाने की सूचना से देर शाम हड़कंप मच गया। आसपास के काफी लोग टंकी के पास एकत्रित हो गए और पुलिस को सूचना दी। बताया जा रहा है कि सूचना पर जब तक पुलिस व निगम का स्टाफ पहुंचा तब वहां कोई नहीं मिला। एहतियातन के तौर पर पानी की टंकी को खाली करा दिया गया है। देर शाम पुलिस व नगर निगम को कुछ लोगों से सूचना मिली कि आजाद नगर स्थित ओवरहेड टैंक पर दो युवक चढ़ गए थे और उन्होंने पानी की टंकी में कुछ डाल दिया। सूचना मिलते ही मौके पर नगर निगम का स्टाफ पहुंचा लेकिन वहां पर कोई नहीं मिला। उन्होंने बताया कि उन्होंने टंकी को खाली करवा दिया है। महाप्रबंधक जलकर प्रमोद कुमार भी देर रात तक मौके पर पहुंच गए। मामले की सूचना पर पुलिस के उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। नगर निगम के अधिकारी द्वारा पानी की टंकी की जांच कराने के बाद उसे दोबारा भर दिया गया ताकि लोगों को पेयजल की दिक्कत ना हो। कुबेर भाई थे और एक क्या नाम है उसका जेब था। अच्छा, आपको इन्फॉर्मेशन दी कि तो कुछ लोग चढ़े हुए हैं। जब मैं तो मैंने तो नहीं देखा जो बात है। अच्छा, किसी ने बताया आपको? हाँ, उनको इन्होंने बताया। भाई देखो, अब इनके बहन की वजह से एक टंकी पर ढकना कब से नहीं है? ढकना देखो, अभी दो तीन महीने पहले जब उधर ये कांड हुआ था पानी का, तो उस टाइम डाली जा रहा था, तो उस टाइम तो था ये। अब आज चढ़ाऊँ तो था ही नहीं। ठीक है, परेशान है कि कुछ ना कुछ इसके अंदर डाला गया है। टंकी के अंदर अगर किसी ने कोई ऐसा असामाजिक तत्व डाल दिया जिससे पूरी कॉलोनी पे हमें कोरोना फैल जाए या कोई बीमारी फैल जाए, तो इसका संज्ञान कौन लेगा? तो रात के एक बज रहे हैं इस टाइम और जय साहब आए हैं और वो निरीक्षण कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कोई इतना मामला नहीं है और सैंपल लेके जाँच के लिए दे दिया है, लेकिन पूरा मोहल्ला पैनिक में है। तो ये कोई जांच का विषय है, ये कोई सैनिटाइजिंग की पूरी मांग कर रही है कॉलोनी, क्योंकि पानी लोगों के घरों में भी घुस गया है। जो सुबह को शाम को पानी खोला जाता है, रात को 12:30 बजे पानी खोला गया जिससे कि घरों में लोगों के पानी पहुंचा है। क्या इस तरीके का हादसे कोई ऐसा पहले कभी सामने आया? इस तरीके का हादसा कभी पहले सामने नहीं आया और पहले होता तो इतनी पैनिक की बात नहीं थी। इस टाइम पूरा देर लोगों ने कहा कि ऊपर टंकी पे आदमी चढ़ा हुआ है, मुझे इन्होंने बताया जाके। उसके बाद मैं आया तो यहाँ तो कुछ भी नहीं था। इन लोगों ने कहा टंकी पे चढ़ के देखो, मैं टंकी पे भी चढ़ गया। फिर उसके बाद बोतल भर के लाया मैं दोबारा जाके, फिर आके फिर बोले कि पानी खोल दो, इसका साफ कर दो, इसको साफ करा दिया। कितने लोग बता रहे हैं? दो तीन लोग यहाँ उस टाइम तो 4-5 जने थे। टंकी पे कितने लोग बता रहे हैं? एक ही जना, एक ही लड़का बताया मुझे तो। बाद में एक लड़का इधर, दो इधर भागे, दो इधर भागे, ये नहीं पता कितने आदमी थे। टंकी का ढक्कन खुला मिला आपको क्या? हाँ, मैं जब खुला था पहले खुला नहीं था, पहले जब मैं वहाँ जाली से लगाने तो उस टाइम पे बंद था। भविष्य में पहले कभी पास्ट में आपने देखा कि खुला मिला कभी पहले? कभी ना, पहले ढक्कन लगा हुआ था, बता तो रहा हूँ। अच्छा, मैंने ताले लगवाए थे, ताले भी तोड़ के ले गए। अब ढक्कन है या नहीं मौजूद? टाइम तो नहीं। अच्छा अच्छा, तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजू है। ऑपरेटर आपने टंकी जो है इसमें क्या देखा आपने? जी भैया, एक लड़का चढ़ा हुआ था और टॉर्च से कुछ ढूंढ रहा था या कुछ कर रहा था, पता नहीं मुझे। मैंने देखा और हम 3-4 लोग थे ऊपर छत पर ही, बारिश पड़ रही थी, कपड़े उतारने के लिए बैठे इस पर बातें कर रहे थे। देखा तो हम 3-4 लोग भाग कर आए, लेकिन वो इतने में निकल गया कहीं से। ये किस टाइम का भाग आई? ये 8:30 से 9 के बीच। अच्छा, आप उन्हें उतारने वाला भाई उनके पीछे? हाँ, उसके पीछे हम आए थे, वो उतर कर कहीं निकल गया। किस किस ने देखा? मैंने, मेरे मामा थे दो और एक मेरे भाई। आपने भी देखा भैया? जी जी। क्या नाम? अच्छा, जो कुछ भी था जी, टंकी हमने खाली करवा दी है और इसे अभी सैनिटाइज करवाया है सोडियम हाइपोक्लोराइड से। बहादुर का उसने कहा ना कि उतर के भाग गया, बिल्कुल सैनिटाइज हो जाएगी टंकी, कोई दिक्कत नहीं। सर, यहाँ पे लगभग कितने लोगों की ड्यूटी है और उन्होंने टंकी खाली कर दी है? हाँ, टंकी खाली कर दी है। ये टंकी पे कोई नहीं रहता, ये ट्यूबवेल पे आदमी रहता है, वो ट्यूबवेल से खोलने के लिए वाल्व आता है। अभी आपने यहाँ पर आके देखा तो प्रथम दृष्टि आपको क्या महसूस हुआ? क्या महसूस? क्या प्रथम दृष्टि में आपने क्या देखा? क्या बहादुर आ गया, उन्होंने देखा है, वो कराओ करके भागा है। अभी रुकिए आप।